बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुन जासु वचन रवि कर निकर ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शम शनिश्चराय नमः नमो नारायण। आज 17 दिसंबर सन 2011 और शनिवार का दिन है। 17 दिसंबर, यदि 17 दिसंबर को आपका जन्मदिन है या शादी की सालग्रह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें, जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और जीवन में यदि परेशानी का सामना करना पड़े तो मूलांक 8 का स्वामी शनि है। देवाधिदेव शनिदेव की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। और जन्मदिन है आपका 17 तारीख को, और 17 तारीख को शनिवार भी है। आज देवाधिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, उनके सिर चरणों में तेल अर्पित करें और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करें, संपूर्ण कष्ट और परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार के पंचांग की। और विक्रम संवत 2068 प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन लक्षण और चंद्रमा आज सिंह राशि में। और शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक। और राहु काल के दौरान सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। जहां आप हैं वहां से पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और शनिवार के दिन अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे, यात्रा में कम कष्ट आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आपकी राशिफल की। और इसके लिए आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए आज का राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि सितारे संकेत दे रहे हैं कि अनावश्यक आलस्य और प्रमाद की वजह से आज कारोबार में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कारोबार में रुचि नहीं लेंगे तो नुकसान हो सकता है, बस इस बात का ध्यान रखें। आप प्रत्याशित लाभ की आशा नहीं करें, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो सितारे आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आज विशेष रूप से भौतिक क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं इस राशि वालों, संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें, आज थोड़ा सा मन प्रभु चिंतन की ओर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बिना वजह किसी की आलोचना ना करें, नुकसान हो सकता है। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों सितारे संकेत देने की आज सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। सावधानी और सूझबूझ की और धैर्य की आवश्यकता महसूस, क्योंकि सितारे अनुकूलता का संकेत दे, गोचर में सितारे ठीक संकेत नहीं दे रहे हैं। कारोबार में समस्या है, मानसिक तनाव है, जो लोग साथ काम करते उनके साथ विवाद है, धनहानि है और आज चोट और दुर्घटना का भी योग है। कहेंगे दाती महाराज डरा रहे हो, नहीं, गोचर ये संकेत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ओम द्राम द्रीम द्राम सह शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। सफेद वस्त्रों का दान कंजकों को या गरीब कन्याओं को देके देके कष्ट कम आएगा। क्या करें, सरकारी कार्य में सावधानी बरतें। क्या ना करें, धन का लेन देन आज न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। आज कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और किए गए प्रयास सफल होंगे। आयात और निर्यात कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में नए टेंडर और नए ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना और धन लाभ होगा। यात्रा लाभदायक रहेगी और अपनों का पूर्ण सहयोग और स्वास्थ्य भी अनुकूल। क्या करें, दूसरों की नहीं अपनी स्वयं की सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें, अपनी योजनाओं को गोपनीय बना के रखें, उसे चर्चा में ना लाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों समय ये संकेत दे रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है और वाणी पर नियंत्रण, यही दो सूत्र हैं जो आज आपको सफलता दिलाएंगे।
विवादित सौदों में पूंजी निवेश से बचें, शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि आज शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी है, और व्यर्थ के कार्य में मनोरंजन में धन और समय का दुरुपयोग हो सकता है, इस पर भी थोड़ी सी नजर रखना बहुत जरूरी है। गोचर थोड़ा सा मध्यम है, क्या करें, बड़ों की सेवा करें बहुत अच्छा रहेगा, क्या ना करें। नीतिगत विचारों में, नीतिगत विचारों की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा, इस बात का ध्यान दें। नमन, और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्न रहेगा, अपनों का पूर्ण साथ, पारिवारिक सुख और संपूर्ण मानसिक विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा। सहयोग की प्राप्ति होगी, कारोबार में उन्नति, धन लाभ और घर गृहस्थी का सुख भी प्राप्त होगा। क्या करें, समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें। आज किसी भी योजनाओं को जल्दबाजी में शुरू ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आज खर्चा है, मानसिक तनाव है, अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और जिस तरह के घर योगा योगे, आज के दिन यदि आपने सहजता से काम नहीं किया, धैर्य से काम नहीं किया, तो कोई मोटी समस्या भी हो सकती है। दूसरों के बहकाव में आकर पारिवारिक निर्णय नहीं ले तो बहुत अच्छा। पूंजी निवेश से भी बचना होगा, और सुबह से लेकर शाम 5:30 तक गोचर यह कहता है कि 5:30 बजे तक थोड़ी सी सावधानी, छोटा सा उपाय, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शब बुधाय नमः, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना बहुत कल्याणकारी रहेगा। नमन, और बात करते हैं तुला राशि की। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक सवाल, और ये सवाल विजय कुमार जी ने पूछा है। विजय कुमार जी, नमो नारायण। आपने सवाल किया आर्थिक समस्याओं को लेकर, या बहुत कर्जा है, आय से ज्यादा खर्चे, इसे उसका छुटकारा कैसे मिले। विजय कुमार जी, आपका करक लगन और मिथुन राशि, इसे मैं आपको शनि की मां दशा चल रही और 19 अक्टूबर 2018 तक रहेगी। शनि में अंतरदशा 22 अप्रैल 2012 तक, और इसके बाद मंगल की अंतरदशा प्रारंभ होगी 1 जून 2013 तक। संपूर्ण ग्रह युगायोग को देखा जाए 1 जून 2013 तक थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप भयभीत नहीं हो। 2-3 करें, एक विवादित चीजों से दूर रहे, दूसरा परिवार का साथ नहीं छोड़े, और तीसरा बहुत जरूरी है आप किसी की मध्यस्थता नहीं करें तो तकलीफ नहीं आएगी। जो उपाय मैं बता रहा हूं इनका सहारा लीजिए। हर बुधवार दिन मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सवा 6 रत्ती पन्ना कनिष्ठा अंगुली में धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या 6.5 रत्ती मोती, 6.5 रत्ती मोती कनिष्ठा अंगुली को सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार करके अभिजीत मुहूर्त में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज घर में घी का दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। नमन, और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, आज मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, और आज दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं रखे तो परेशानी है। आज आपकी अपने ही आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। आज कार्य संबंधी उलझने में सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक गोचर इसी तरह का, थोड़ा सा सावधान, क्या करें, अपने पर भरोसा रखकर कार्य करें बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आज कोई नया कार्य साझेदारी में शुरू ना करें तो ठीक रहेगा। नमन, और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, और आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर और धन लाभ होगा, और अपनों का पूर्ण सहयोग, साथ साथ राजनीतिक के क्षेत्र में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। क्या करें, जरूरी काम आज गुप्त रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन।